हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेसिस्ट या डिफेंड इट्सेल्फ फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। स्टूडेंट, इम्यूनिटी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है जो हमेशा एक डिजीज के डेवलपमेंट होने से खुद रोकने का काम करती है। तो स्टूडेंट, कोई भी लिविंग बीइंग हुआ, उसके अंदर कोई डिजीज़ जो है डेवलप ना हो, इसके लिए वो हमेशा उसका बचाव करती है, और यही एबिलिटी उस ऑर्गेनिज्म की इम्यूनिटी कहलाती है। इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है, एक इननेट इम्यूनिटी, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी को इनबॉर्न इम्यूनिटी कहा जाता है स्टूडेंट, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अडाप्टिव इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू टाइप की होती है, एक एक्टिव इम्यूनिटी, एक पैसिव इम्यूनिटी। स्टूडेंट, फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी क्या होती है? तो स्टूडेंट, इननेट इम्यूनिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ये इम्यूनिटी जन्म से ही बच्चे के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये पेरेंट से इनहेरिट होके आती है। तो इस वी कैन से दैट इट इज अ इनहेरिटेड इम्यूनिटी। इट इज नॉन इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। और ये किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए एक स्पेसिफिक नहीं हो रहती है कि साहब ये इम्यूनिटी केवल पोलियो डिजीज़ या डिप्थीरिया डिजीज़ के लिए ही हमेशा डिफेंड करेगी। नहीं, ये हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट में ये इम्यूनिटी वर्क करती है। इट इज अकम्प्लाइज बाई प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर टू एंट्री ऑफ फॉरन एजेंट। फोर टाइप ऑफ बैरियर आर। और ये स्टूडेंट्स हमेशा फॉरन एजेंट की एंट्री के लिए हमेशा बैरियर प्रोवाइड करने का काम करती है इननेट इम्यूनिटी। और ये फोर टाइप के बैरियर्स बनाती है। पहला फिजिकल बैरियर, इसमें फोर टाइप के बैरियर्स होते हैं, जैसे फिजिकल बैरियर। दीज बैरियर डू नॉट अलाउ पैथोजन एंड फॉरन एजेंट टू एंटर द बॉडी। ये बैरियर पहली चीज़ है, बॉडी के अंदर आने से फॉरन एजेंट्स को या पैथोजन को रोकने का काम करती है, जैसे स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, यूरिनरी जेनिटल की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ये हमेशा पैथोजन को आने से रोकती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में जैसे स्वेट है, टीयर है, एसिड इन स्टमक है, सलाइवा इन माउथ है, ये हमेशा माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। स्वेट, टीयर, आइज, एसिड, सलाइवा, दीज आर द फिजियोलॉजिकल बैरियर, और विच ऑलवेज प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द पैथोजन। नेक्स्ट है स्टूडेंट सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में जैसे WBC, जिसे हम WBC जैसे लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट्स हैं, माइक्रोफेज हैं, फैगोसाइटोस हैं, ये सभी माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में एक प्रोटीन जैसे इंटरफेरॉन होती है, जो वायरस के द्वारा, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होती है, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल को वायरल इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। तो स्टूडेंट दीज आर द फोर टाइप ऑफ बैरियर, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। ये बैरियर जो होते हैं हमें जन्म से ही मिल जाते हैं, जो हमारे इननेट इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं, और ये हमें किसी भी डिजीज से हमेशा बचाने का काम करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो बर्थ से प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन इंडिविजुअल के किसी इंडिविजुअल में पूरे लाइफ टाइम तक ये डेवलप होती रहती है। और ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिक
पैथोजन के कोई भी पैथोजन है उसके खिलाफ ये स्पेसिफिक रोल प्ले करती है। जैसे कोई स्पेसिफिक पैथोजन ही हमारी बॉडी के अंदर अगर पहुंच जाए और उसके अगेंस्ट में जो इम्यूनिटी वर्क करे तो समझिए वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक पैथोजन स्पेसिफिक होती है जो हमेशा एक पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट में ही काम में आती है। स्टूडेंट नेक्स्ट है कि इट हैज़ द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश डाइवर्स टाइप ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल या एंटीजन। और ये हमेशा कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल या एंटीजन अगर हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो उसकी डाइवर्सिटी को डिस्टिंग्विश करने की इसके अंदर एबिलिटी होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इम्यून सिस्टम इनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है किसी एक पैथोजन के खिलाफ फर्स्ट टाइम इनकाउंटर करता है तो दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी रिस्पॉन्स, तब इसे प्राइमरी रिस्पॉन्स कहा जाता है। स्टूडेंट और दिस रिस्पॉन्स जो विच इज़ लो इंटेंसिटी, और ये रिस्पॉन्स जो होता है बहुत कम इंटेंसिटी का होता है, पर इस एनकाउंटर की मेमोरी जो सेम पैथोजन के इनकाउंटर की मेमोरी जो होती है वो बन जाती है। और फिर जब कभी भी सेम पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो स्ट्रेन सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है जो बहुत ही हाई इंटेंसिटी का होता है, क्योंकि इससे पहले इसकी इनकाउंटर की मेमोरी हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी के पास पहले से ही प्रेजेंट थी, जिससे कि इसका इनकाउंटर बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का किया जाता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर सेम पैथोजन पहुंचता है तो उसको बहुत जल्दी हमारी बॉडी क्या कर लेती है, डिफेंड कर लेती है। तो स्टूडेंट इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाउ स्टूडेंट, इम्यून रिस्पॉन्स आर प्रोड्यूस बाई टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। और जो इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं वो हमारे लिम्फोसाइट के दो टाइप के लिम्फोसाइट के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। पहला है बी लिम्फोसाइट जिसे बी सेल कहते हैं, दूसरा है टी लिम्फोसाइट जिसे टी सेल कहते हैं। बी लिम्फोसाइट क्या होते हैं स्टूडेंट, ये प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडी इन ब्लड। ये स्टूडेंट्स एक प्रोटीन प्रोड्यूस करने काम करते हैं जिसे एंटीबॉडी कहते हैं, और ये स्ट्रैंड पैथोजन के अगेंस्ट में ये रिस्पॉन्स करती है। नेक्स्ट है टी लिम्फोसाइट बी सेल्स की हेल्प करती है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ये भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। स्ट्रैंड बी लिम्फोसाइट जो होते हैं और टी लिम्फोसाइट, तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों के दोनों एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, व्हाट आर द टू टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स के दो टाइप कौन से हैं जो बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं। पहला है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, इसे कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी AMI। इट इज़ मीडिएटेड बाई एंटीबॉडी इन द ब्लड, ये ब्लड में एंटीबॉडी के द्वारा मीडिएट किया जाता है या लिम्फ के द्वारा। सेकेंड है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, इट इज़ मीडिएटेड बाय द टी लिम्फोसाइट, ये हमेशा टी लिम्फोसाइट के द्वारा मीडिएट होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। और ये किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय हमेशा ग्राफ्ट को रिजेक्शन में उत्तरदायी होता है बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी ऑफ डिफरेंट बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। नेक्स्ट है स्टूडेंट, टिश्यू मैचिंग ब्लड ग्रुप मैचिंग आर द एसेंशियल बिफोर एनी ग्राफ्ट, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जब कभी भी कोई ट्रांसप्लांटेशन किसी ऑर्गन का किया जा रहा है पेशेंट के अंदर, तो उसका टिश्यू मैचिंग और ब्लड ग्रुप मैचिंग जरूर करना चाहिए। इवन आफ्टर दिस पेशेंट आर गिवन इम्यून सुप्रेसेंट ऑल देयर लाइफ्स। तो स्टूडेंट ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ये दो टाइप के एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन हेयर, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है।
आई विल एक्सप्लेन इन दिस नेक्स्ट लेक्चर।